अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मैं हूँ आप सबके अमीना फ़िज़ान। वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी ब्यूटीफुल बाय आमना की न्यूली लॉन्च्ड ल्यूमिनस फाउंडेशन, जो कि इनकी न्यू फाउंडेशन है बेसिकली। तो अगर मेरे चैनल पर नहीं हो तो कर ले सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। चलिए जी, बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और ओपन करके मैं आपको दिखाती हूँ कि फाउंडेशन की आउटर पैकेजिंग वगैरह कैसी है और इनर पैकेजिंग वगैरह। इस वीडियो में मैं आपको फाउंडेशन वगैरह दिखाऊंगी, लेकिन आने वाली वीडियो में मैं आपके साथ इसका वेयर टेस्ट भी शेयर करूंगी कि कितनी देर लॉन्ग लास्टिंग करता है, ऑल ऑफ दैट स्टफ। तो जो भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन कर दीजिएगा, एंड सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़। तो बेसिकली इनके फाउंडेशन में 8 शेड्स हैं, 8 शेड हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे पास इस टाइम 7 शेड्स अवेलेबल हैं। लेकिन जो शेड्स अवेलेबल हैं मैं आपको उन्हीं के बारे में अच्छे से गाइड कर देती हूँ। आपको इन्हीं में से, मोस्टली लोगों को इन्हीं में से अपना शेड मिल जाएगा, क्योंकि इनकी जो सी कलर रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ब्लैक कलर की कार्डबोर्ड की पैकेजिंग है, आप देख सकते हैं, जिसके ऊपर लिखा हुआ है ल्यूमिनस फाउंडेशन। ये क्लेम करता है कि 12 आवर्स के लिए, 12 घंटों के लिए वेट लॉन्ग लास्टिंग है और वेटलेस है। वेटलेस से क्या मुराद? वेटलेस से ये मुराद कि आपके फेस के ऊपर भारी भारी फील नहीं होती लगी हुई बेस, और 12 घंटे तक आपकी बेस जो सी है वो ठहर जाती है आपके फेस के ऊपर और आपके मेकअप को ख़राब नहीं करती, बेसिकली हटती नहीं है बेस, जो कि हम ट्राई करेंगे वेयर टेस्ट में करूँगी, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अदर देन दैट, अगर आप इनकी कोई भी चीज़ पैक करना चाहो आपने मेरा कोड यूज़ करना नहीं भूलना, जो कि है A646, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूँगी, ऊपर यहाँ पे भी आ रहा होगा, और आई बटन पे उसे यूज़ करने का मेथड भी। उसके अलावा इनकी जो उनसे फ्लोरेंस एडिशन थी उसके ऊपर भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, वो भी मैं आई बटन पे वीडियो लगा रही हूँ, तो आप जो जो इंटरेस्टेड हो वो देख सकते हैं। ये है यहाँ पे मेरे पास इन दी शेड 07। सबसे पहले मैंने 07 शेड से स्टार्टिंग की है। ईच एंड एवरीथिंग डिटेल कार्डबोर्ड की पैकिंग के ऊपर मैंशन, आप देख सकते हैं किस तरह की पैकिंग है इसकी। अगर प्राइस की बात कर लें तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल है, सेल में आपको काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएगा, 1500 से 1600 रुपए में, जो कि काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल है मेरे ख्याल से, क्योंकि जो फाउंडेशंस मुझे पसंद है वो बेसिकली 3000 2500 इस तरह तक के हैं। तो भी इस वजह से उसके मुकाबले में हाफ पेमेंट का फ़र्क है यार बकायदा, इस वजह से मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है, और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकले, ताकि हमें पैसे लगाने में मज़ा आए, क्योंकि ये सस्ती भी है। इसके जो स्वाचेस है वो यहाँ साइड पे आ रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो को रोक के, तो आप अपने लिए भी जो सा शेड बाय करना चाहो कर सकते हैं। नेचुरल डे सनलाइट में मैंने किया है, ताकि आप लोगों के लिए डिटरमिन करना आसान हो कि आपका शेड कौन सा है। सबसे पहले यहाँ पर लेते हैं जी 01। इनर पैकेजिंग की बात कर लें तो ग्लास बॉटल की पैकेजिंग है, मैट पैकेजिंग है, और कैप भी मैट है, ऊपर वाले साइड से थोड़ा सा मिरर इफेक्ट है कैप के टॉप वाली साइड से। अदर देन डैट, बाकी सारी पैकिंग जो सी है वो है जी इनकी मैट, फुली मैट, और ग्लास बॉटल है। ये इन दी शेड 02, जो कि स्वाचेस मैंने आपके साथ शेयर कर दी हूँ यहाँ स्टार्टिंग में ही शेड नेम के साथ, तो आप लोग उनकी वेबसाइट पे जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली लोगों को अमूमन मुश्किल होती है, क्योंकि वेबसाइट पे शेड कुछ और होते हैं और असल ज़िंदगी में कुछ और होते हैं, तो इस वजह से फिर मैंने आपके लिए असल ज़िंदगी में बिना किसी फिल्टर के नेचुरल सनलाइट में, सूरज की रोशनी में पिक क्लिक करके आपको दिखा दिया, ताकि आप लोग अपने लिए बआसानी ख़रीद सको। शेड रेंज काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे टोन्स हैं इसके, जो कि चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, आप देख सकते हैं खुद भी। न्यूट्रल टोन्स भी है, और यहाँ पे मक्खी भी आ गई, वो कहती हैं मैं भी आती हूँ। और एक और प्लस पॉइंट वो ये है कि ये आते हैं जी पम्प के साथ, पम्प काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। फर्स्ट टाइम जब आप फाउंडेशन लेते हो तो आपको बाकायदा तकरीबन 10 दफ़ा पम्प करना पड़ता है, फिर जाके फाउंडेशन आता है, लेकिन ये तीसरी दफ़ा में ही आ जाता है। एक दफ़ा करो, दो दफ़ा करो, तीसरी दफ़ा में फाउंडेशन आ जाएगा पम्प के साथ, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और इसका मतलब ये भी है कि इसका पम्प भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे वाला है, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। लेकिन हाँ, मैं इसे अब ट्राई आउट करूँगी कि ये लॉन्ग लास्टिंग है कि नहीं, क्या चक्कर है, क्या नहीं, कैसे परफॉर्म करता है, क्योंकि पैकेजिंग के बाद सबसे मेन चीज़
फाउंडेशन की परफॉर्मेंस ही आती है, तो वही हम ट्राई आउट करेंगे और फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसलिए आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप लोगों को वीडियो फटाफट से मिल जाए, क्योंकि बहुत जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस वजह से बेसिकली सबसे पहले आई थिंक सबसे पहले मैं ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये इसके स्वाचेस भी हैं, इस तरह से भी मैं आपको दिखा रही हूँ। 1 से स्टार्ट होकर 7 तक हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक। तो आप लोग अपने लिए डिटरमिन कर सकते हैं, मैं मिलूँगी आने वाले वीडियो में। तब तक आप लोगों ने अपना डे सारा याद रखना है, मुझे दुआ में याद रखना है। कोई भी क्वेश्चन होना इससे रिलेटेड आपने कमेंट सेक्शन में कर लेने, मैं आने वाली वीडियो में आप सबके आंसर्स के जवाब दूंगी इस फाउंडेशन से रिलेटेड। गोरी रंगत से लेकर सांवली रंगत तक फाउंडेशन शेड्स इनके पास अवेलेबल है, जो कि चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी कि एक पाकिस्तानी ब्रांड होते हुए फाउंडेशन की प्राइस अच्छी, पैकिंग अच्छी, सब कुछ अच्छा, और उसके अलावा शेड रेंज भी अच्छी। क्योंकि अमूमन जो उनसे बाकी फाउंडेशन होते हैं उसमें चिट्टे भूत वाले ही होते हैं, कसम से समझ ही नहीं आती बंदा कौन सा ले कौन सा ना ले। अगर ब्राउन या काला होता है वो ज़्यादा ही हो जाता है, और अगर सही होता है तो फिर बस ऐसे शेड होते हैं कि बंदा खरीद नहीं सकता अपने लिए, और हमेशा गलत ही हो जाता है। अच्छा जी, अब मैं चलती हूँ, आने वाले वीडियो में आप सबको मिलूंगी। आप लोग चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत जल्द आपके साथ इसका वेयर टेस्ट शेयर करूँगी, और बिल्कुल ऑनेस्ट, ताकि आप लोग अपने लिए ख़रीद सकें। अगर तो ये परफॉर्म कर गया तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरी भी एक्सपेक्टेशन इससे काफ़ी ज़्यादा हैं। इस वजह से स्टे कनेक्टेड, लव यू ऑल, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा।